हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री का मतलब पाथ। ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है? पाथ। तो हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ पाथ की। अभी तक हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या पढ़ा कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो कि मोशन इन अ प्लेन है, ये इफेक्टिवली दो मोशन का सम है। एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में दो अलग अलग मोशन हो रहे हैं और दोनों का साइमल्टेनियस इफेक्ट ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये हमने पढ़ा। पर फिर भी अगर मैं किसी पत्थर को या किसी बॉल को एक पर्टिकुलर एंगल पे एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से फेंक दूं, तो वो बॉल हर बार सेम पाथ फॉलो करेगा, सेम रास्ते से जाएगा। तो हम उस रास्ते के बारे में बात करना चाहते हैं, हम उस पाथ के बारे में बात करना चाहते हैं, हम उस ट्रेजेक्टरी के बारे में बात करना चाहते हैं। तो पाथ तो ठीक है, बट व्हाट डू वी मीन बाय इक्वेशन ऑफ पाथ? इक्वेशन ऑफ पाथ का क्या मतलब है? तो इक्वेशन ऑफ पाथ से हम ये समझना चाहते हैं कि अगर मैं इस पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट लेट से एक्स बोल दूं और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट लेट से वाई बोल दूं, तो इस x और y के बीच में क्या रिलेशन है? बेसिकली अगर मैं पार्टिकल को ओरिजिन पे मान लूं, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, ये पूरी x एक्सिस ये ओरिजिन है, तो एट एनी गिवन टाइम इस पार्टिकल के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x कॉमा y, तो इन इस x और इस y में क्या रिलेशन है, ये पता लगाना चाहते हैं। तो बेसिकली हमें इसमें डायरेक्ट रिलेशन चाहिए x और y के बीच में, पर हमें मालूम है कि x और y में जो मोशन है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। एट द सेम टाइम हमने ये भी पढ़ा था कि दोनों ही मोशन एक कॉमन फ्रेंड टाइम पर डिपेंड करते हैं। x भी टाइम पर डिपेंड करता है, y भी टाइम पर डिपेंड करता है। तो अगर आपको कभी भी x से y तक जाना हो तो आपको टाइम के थ्रू जाना होगा। हमेशा कॉमन फ्रेंड से पूछेंगे एड्रेस एक्स और वाई का। प्रोजेक्टाइल मोशन में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में जहां आप बेसिक से सॉल्व कर रहे होंगे, यू हैव टू गो थ्रू द वेरिएबल टाइम। पहले टाइम को पकड़िए, टाइम से एक्स का एड्रेस भी पूछ लीजिए, वाई का एड्रेस भी पूछ लीजिए। जितने भी क्वेश्चन बेसिक से होंगे सारे इसी तरीके से होंगे। तो यहां पे भी हम इस x और y के बीच में रिलेशन निकालने के लिए टाइम का यूज करेंगे। हम बोलेंगे कि x डायरेक्शन में क्या हो रहा है। x डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी u cos थीटा से पार्टिकल मूव कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टाइम t। और सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू, y डायरेक्शन में क्या हो रहा है, y डायरेक्शन में आपकी इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा है, तो इसलिए y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट y इक्वल्स टू u साइन थीटा इंटू t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होगा, क्योंकि y का एक्सेलरेशन भी है माइनस जी। तो y इज इक्वल टू u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है और x इज इक्वल टू u कॉस थीटा इंटू t है। हमें इन दोनों इक्वेशंस में से टाइम को एलिमिनेट करना है क्योंकि हमें y और x के बीच में रिलेशन चाहिए। तो बेसिकली यहां से टाइम को निकाल के यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हम क्या बोल सकते हैं यहां से, t इज इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा। और अगर हम ये t यहां सब्स्टिट्यूट कर दें इन दोनों जगहों पर, तो हमें क्या मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू u sin थीटा इंटू x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। u से u कैंसिल हो गया, sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा हो गया। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या बनी, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये आपका फाइनल इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बना, जिसको आप याद रखेंगे, y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको सीधे याद करना है, इसमें कोई
मेरे पास एटलीस्ट कोई ट्रिक नहीं है। y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ये आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है। ये क्या बता रहा है कि फॉर अ गिवन x, एक पर्टिकुलर x पर y की वैल्यू कितनी है, ये बता रहा है। इसके ऊपर बेस्ड हम काफी सारे एग्जांपल्स लेंगे, इस इक्वेशन के अलग अलग फॉर्म्स भी पढ़ेंगे, पर सब आगे आने वाले वीडियोस में। थैंक यू।